सिंगरौली में 3 दिवसीय मध्य प्रदेश युवक युवती यूथ वॉलीबॉल चैंपियनशिप का समापन हुआ। कार्यक्रम में बेहतरीन खेल प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। वहीं खिलाड़ियों का नेशनल चैंपियनशिप के लिए चयन किया गया है। सिंगरौली में 3 दिवसीय 24वीं मध्य प्रदेश युवक युवती यूथ वॉलीबॉल चैंपियनशिप का समापन हुआ, जिसमें 13 जोन युवक वर्ग में 9 जोन युवती वर्ग में मैच हुए। फाइनल युवती वर्ग में छिंदवाड़ा संभाग ने होशंगाबाद को हराया, वहीं युवक वर्ग में ग्वालियर संभाग ने होशंगाबाद को हराया। सिंगरौली वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष बद्री नारायण वैश्य ने बताया कि चयन समिति ने दोनों वर्गों के नेशनल चैंपियनशिप के लिए अनाउंसमेंट किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक रामलल्लू वैश्य ने की। इस मौके पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में बेहतरीन खेल प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। 24वीं यूथ मध्य प्रदेश वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कुल बॉयज की 13 जोने की टीमें यहां पधारी थी और 9 जोने की टीमें महिलाओं की आई थी। 2, 3, 4 दिसंबर कार्यक्रम कराया गया। सभी टीमों ने लीग के माध्यम से मैच खेला। लीग से नॉकआउट प्रगति में आए, सेमीफाइनल और फाइनल जीता गया। 3रे स्थान के लिए भी मैच खेला गया। इस सफल आयोजन के लिए मैं सबसे पहले कृतज्ञ ज्ञापित करूंगा श्री हरि सिंह चौहान साहब का, जो वॉलीबॉल एसोसिएशन के सचिव हैं, जिन्होंने इस आयोजन को सिंगरौली जिले को सौंपा था और हम बेहतर ढंग से इसको सफल बनाएं। और इस सफलता के लिए जिला वॉलीबॉल संघ के समस्त साथियों को एवं कार्यकर्ताओं को, मीडिया साथियों को, जिला प्रशासन को, सहयोग में NCL हिंडालको, मायारा महाविद्यालय, सबों के सहयोग से संपन्न हो पाया है। सिंगरौली के लोकप्रिय विधायक श्री रामलल्लू वैश्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री रामचंद्र गुप्ता जी, श्री देवेश पांडे जी, नगर पालिक निगम अध्यक्ष सिंगरौली एवं गणमान्य लोगों के साथ शुभारंभ हुआ। समापन समारोह में सीधे सिंगरौली के लोकप्रिय सांसद श्री रीति पाठक जी एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष यशस्वी श्री कांत शीर्ष देव सिंह जी एवं हिंडालको प्रेसिडेंट HR श्री जसवीर सिंह सर, देवेश पांडे जी नगर पालिक निगम अध्यक्ष, खेल संघों से आए हुए समस्त अतिथिगण, ऑफिशियल्स, मध्य प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन से आए हुए समस्त ऑफिशियल, जिनके सानिध्य में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है, मैं निर्णायकों, कार्यकर्ताओं एवं आयोजन समिति को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।